नमस्कार दोस्तों, इंडिया बायनोकुलर शॉप में एक बार फिर स्वागत है। सस्ते बायनोकुलर्स जो 4000 से नीचे हैं, क्या वो कुछ दिखाते हैं? क्या उसमें कुछ क्लैरिटी है, कुछ जान है? 7 के करीब बायनोकुलर्स हैं, उस पर ब्रीफली डिस्कशन करेंगे उनके फीचर्स के बारे में और उनकी प्राइसेस के साथ। और नेशनल ज्योग्राफिक का 10,500 में जो टेलीस्कोप आता है 70mm, इस तरह से बॉक्स में आता है, कंप्लीट पैकेज मोबाइल फोन अडेप्टर के साथ, बार्लो के साथ और 2 केलनर क्वालिटी की आईपीसी और ब्लैक कलर की ट्यूब के अंदर आता है। काफी डिसेंट लुकिंग और काफी अच्छा परफॉर्मर है। 7700 एक बड़ा ही कॉमन डिजाइन है, बहुत से मैन्युफैक्चरर बनाते हैं। मीड है, स्काई वॉचर है, सेलेस्टॉन है। इसी तरह से नेशनल ज्योग्राफिक का है जो आज की डेट में सबसे सस्ता है 10,500 का। तो ये आ गया है, काफी लोगों की डिमांड थी तो मैंने कहा आपको बता दूं। मेरे पास इस तरह से 7 बायनोकुलर्स हैं। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं, 15 मई से शुरू हो जाएंगी, हम लोग घूमने जाएंगे, तो हमारे को पॉकेट वाला या 4000 से नीचे वाला कोई बायनोकुलर अगर मिल जाए, एक अच्छा कंपेनियन हमारे ट्रेवल पे वो साबित होता है। चाहे हम वाइल्ड सफारी पे जा रहे हो या साइट सीइंग करने जा रहे हो या कैंपिंग कर रहे हो या बुश वॉकिंग कर रहे हो, किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो या सीनरीज देखनी है हमें, तो ये 7 बायनोकुलर्स के ऊपर बात करते हैं ब्रीफली। छोटा वीडियो है, आप एंड तक बने रहिए। हम कोशिश करते हैं 2-2 सेकंड के वीडियो इन बायनोकुलर से आपको दिखाएं ताकि आपको पिक्चर कैसी बनती है उसका थोड़ा आइडिया हो। जो ये 7 बायनोकुलर्स हैं, सिर्फ इसमें एक ब्रांड का हमने बायनोकुलर लिया, ये वाला जो सेलेस्टॉन का है, अप क्लोज सीरीज का। तो मैं ये 7 की बात करता हूं। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, 8x21 1400 रुपए का बायनोकुलर है और बैक 4 प्रिज्म में है, काफी क्लियर विजन है मैंने इससे देखा। इसमें कोई फोकसिंग नॉब नहीं है, फोकस फ्री है। तो अगर आप फोकसिंग के झंझट से बचना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। बैक 4 प्रिज्म में है ये बायनोकुलर और अच्छा खासा, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ऐसी इतनी फ्लिमजी क्वालिटी नहीं है। फुली कोटेड बायनोकुलर है और बैक 4 प्रिज्म में है। इसके साथ ये छोटा सा बैग आता है और जो स्ट्रैप है वो ऐसे छोटा धागा है, काफी सॉलिड, जो आप गले में लगा सकते हैं। और इसमें मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस जो है कम से कम 15-20 मीटर का है, उसके बाद ही ये फोकस करेगा क्योंकि ये फोकस फ्री है। चलें तो हमारे पास ये छोटा बायनोकुलर है एक और कैमोफ्लाज कलर में, जो काफी लोग पसंद करते हैं, 8x21, ये भी 1400 का है। इसकी कोटिंग्स भी नजर मार लेते हैं, तरह से इसकी कोटिंग्स है देखने वाला है। इसमें राइट आई एडजस्टमेंट है, बीच में ये फोकसर है, यहाँ से हल्का सा मिनिमम ये 4 मीटर पे फोकस कर लेता है, 4-4.5 मीटर पे, अच्छी क्लियर 4 है। पॉकेट में इजीली आ जाता है आपके और हार्डली मेरे ख्याल से 200-250 ग्राम इसका वजन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। साथ में इसके एक ये बैग आता है, क्लीनिंग क्लॉथ आता है, तो ये भी आप ले सकते हैं, 1400 रुपए का है। आगे चलें तो फिर हमारे अपक्लोज सीरीज में 10x25, इसकी कोटिंग्स में मैंने नजर मारी तो ये मल्टी कोटेड लग रहा है, बेसिकली BK7 प्रिज्म में है। काफी अच्छा स्मूथ है, फोकस भी काफी स्मूथ है और विजन काफी अच्छी है, ये भी 4-4.5 मीटर पे फोकस करता है। एक और मेरे पास 10x25 है जो काफी बजट पे है, ये 2700 का है, लेकिन ये वाला जो है एक सुपरनोवा ब्रांड का, इसमें भी 4-4.5 मीटर फोकस हो सकता है, उससे थोड़ा सा लाइट वेट है, इस तरीके से आता है, कोटिंग्स भी अच्छी हैं इसकी, मल्टी कोटेड लग रही है, ये भी इस तरह से बैग में आता है। तो अगर आपको कंपनी का चाहिए तो आपको 1000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आगे चलें, मेरे पास एक विजन किंग का है, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, जितने हमने बायनोकुलर्स देखे सबसे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। 8x25mm, 25mm इसका ग्लास यहाँ पे हो जाता है और स्मूथ फोकसिंग है, राइट आई एडजस्टमेंट भी है इसमें और ये बैक 4 प्रिज्म में है। अगर आप यहाँ एग्जिट पीपल देखेंगे तो ये जो परफेक्ट सर्कल होते हैं, बैक 4 प्रिज्म की निशानी है। ये मल्टी कोटेड लेंसेज में है, विजन इसकी काफी साफ है, एक नजर में ये आसानी से आंखों में सट जाता है और हल्का सा फोकसिंग नॉब घुमाएंगे तो ये फोकस हो जाता है। ये भी इसकी अच्छी बात दूसरी ये है कि 2-2.5 मीटर पे भी फोकस कर लेता है। जितने बायनोकुलर्स मैंने अभी तक देखे सबसे बेस्ट मुझे ये लगा। और उसके बाद चलें तो मेरे पास थोड़े बड़े अपर्चर में 10x42 है, सुपरनोवा का, मल्टी कोटेड लेंसेज हैं, इसके प्रिज्म भी बैक 4 है। अगर आप इसके देखेंगे सर्कल्स जो है तो गोल सर्कल्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो बैक 4 प्रिज्म की निशानी होती है। ये 3300 रुपीज का है बजट में, ये भी 4-4.5 मीटर पे फोकस करता है। लाइट वेट है, एक बैग है और इसके साथ एक स्ट्रैप है इस तरह से, और डस्ट कैप्स जो है साथ में लगी रहती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास पोरो प्रिज्म में भी एक बायनोकुलर है, अभी तक जितने आपने देखे रूफ प्रिज्म में है, इस तरह से बैग में आता है जो कि डिसेंट है और ये डस्ट कैप्स हैं,
बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी, थोड़ा हैवी पीस है, करीब 800 ग्राम के आसपास होगा, 780-800 ग्राम ये इसके आई पीसीज हैं यहाँ से देखने वाले। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके परफेक्ट राउंड नहीं है, ये थोड़े से ये ट्रेपेजियम स्टाइल में इसके एग्जिट पीपल बन रहे होंगे, तो ये दर्शाता है ये बीके 7 में है। कोटिंग्स की मैं बात करूँ तो ये फुली कोटेड ऑप्टिक्स हैं, लेकिन क्योंकि पोरोप्रिज्म में है तो ये व्यू बहुत बढ़िया दिखाते हैं, वाइड वाइड व्यू दिखाते हैं, कपड़े आसानी से फोकस। ज्यादा 7x50 है ये, 7x50 mm, और ये 4000 रुपीस का है। इसका सबसे बड़ा एज है कि नाइट में स्टारगेजिंग भी करनी है बर्ड वॉचिंग के अलावा, ये इन सब पूरे लॉट में सबसे बेस्ट है स्टारगेजिंग के लिए। हैंड होल्डेबल 7x50 सबसे बेस्ट है, क्योंकि पावर कम होने से एरिया ऑफ व्यू आपको ज्यादा मिलता है, एग्जिट पीपल इसका अच्छा है। 50 डिवाइडेड बाय 7 लाइट्स में सबसे ब्राइट इमेज जो है 7x50 कैप्चर करेगा, और हैंड होल्डेबल है, आपको ट्राइपॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नॉर्मल साइट सीइंग के लिए तो है ही ये बढ़िया। तो जस्ट बिकॉज कि नॉन कंपनी का है, क्या टक्कर नहीं देगा ये कॉमेट्रॉन को जो थोड़ा महंगा बिकता है करीब 4800 रुपए का, मेरे ख्याल से बिल्ड वाइज ये उससे बेटर है, और उससे वैसे भी उससे बेटर है, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि 4000 से नीचे के बायनोकुलर्स कवर करें, तो मैंने कॉमेट्रॉन यहाँ नहीं रखा, नहीं तो मैं आपको इसका व्यू कॉमेट्रॉन से भी दिखा देता। थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के लिए कि बहुत सी वेबसाइट ऑनलाइन वेबसाइट्स बीके 7 वाले बायनोकुलर्स को भी बैक 4 में लिखती हैं और वाटरप्रूफ लिखती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये दोनों चीज़ें जो हैं, और फुली मल्टी कोटेड या मल्टी कोटेड, इसमें पैसे खर्च होते हैं मैन्युफैक्चरर, तो ये इतना सस्ते में नहीं बनती, तो आप थोड़ा सावधान रहें। आपको टिप्स देता रहता हूँ कि बैक 4 और बीके 7 में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और अगर आपको लेना है तो indiabinoclershop.com पे ये लगे हुए हैं, नीचे लिखे हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम मोनोकुलर्स के और टेलीस्कोप्स के वीडियो भी आगे लेके आएंगे। थैंक यू।